अमेरिका के पूर्व खुफिया चीफ की तरफ से सनसनीखेज दावा, रूस ने कोई प्रयोग किया तो सीधा हमला कर देगा अमेरिका, ये वार्निंग है। पूर्व CIA डायरेक्टर डेविड पेट्रियस का ये बड़ा बयान है, अमेरिका किसी नेटो देश पर हमले का इंतजार अब नहीं करने वाला, यूक्रेन में विध्वंसक हमले का भी US फोर्सेस जवाब देंगे। तो अब डायरेक्ट हमले की बात कही जा रही है, जो इनडायरेक्टली आर्म्स के जरिए मदद हो रही थी, अब डायरेक्ट हमला कर दिया जाएगा, पूर्व CIA की आधिकारिक तरफ से कहा गया है। तो बड़ी बात कह दी यहाँ पर अमेरिका ने और रूस को वार्निंग भी दे दी। तो क्या अमेरिका, अब सवाल ये है कि तो क्या अमेरिका यहाँ पर अटैक करेगा, ये वार्निंग को कितना देखा जाए गंभीरता से, रूस के खिलाफ सीधी जंग में उतर सकता है अमेरिका, क्योंकि अगर पूर्व CIA डायरेक्टर की तरफ से ऐसा किया जा रहा कहा जा रहा है तो इसमें गंभीरता है। रूस ने कोई खतरनाक कदम उठाया तो अमेरिका जवाब देगा, यानी अमेरिका अब इस पर बिलीव नहीं कर रहा कि वो सिर्फ धमकी के बदले धमकी दे, अब धमकी के बदले अटैक होगा, जो रूस कर रहा है अब उस पर अटैक किया जाएगा बकौल पूर्व CIA डायरेक्टर। नाटो फोर्सेस तो तब लड़ेंगी जब किसी नाटो देश पर हमला होगा, ये कहना है पूर्व CIA डायरेक्टर का। तो इसे भी देखा जाना चाहिए कि अमेरिका इस वक्त बदले की आग में क्या जल रहा है, यूक्रेन पर रूस ने कोई चौंकाने वाला हमला किया तो अमेरिका लड़ेगा। तो अमेरिका तो अब तक इनडायरेक्टली तमाम मददगार साबित हो रहा था, हथियार पहुंचाना, सैन्य उपक्रम पहुंचाना यूक्रेन को, लेकिन अब डायरेक्टली ये बात सामने आ रही है पूर्व CIA डायरेक्टर की तरफ से, सहयोगी देशों के साथ मिलकर US फोर्सेस जवाबी कार्रवाई करेंगी। तो अमेरिका की तरफ से ये बहुत बड़ा एक तरह से बयान है, लेकिन ये पूर्व CIA अधिकारी की तरफ से बयान है जो कि हम आपको बता रहे हैं, रूस ने कोई प्रयोग किया तो युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो सकती है, ये कहना है डेविड पेट्रियस का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर संदीप मैं आपके पास आ रही हूँ, ये जो धमकी अब दी जा रही है रूस को कि अंजाम अच्छा नहीं होगा, अंजाम भुगतना होगा, और नाटो देश, नाटो तो तब जंग में शामिल होगा अगर कोई नाटो देश पर हमला होता है, तो इन धमकियों को कितना, डेविड पेट्रियस की इन धमकियों को कितना सीरियसली लें? देखिए अमेरिका की जो धमकियां हैं, मुझे याद आता है अफगानिस्तान की सिचुएशन सितंबर 2021 में, कि जिस तरह से अफगानिस्तान के लोग आवाम चिल्ला रहे थे कि आ जाइए हमारे रक्षा कर लेते आने वालियों से, और अफगानिस्तान पूरी तरह से कहा कि देखो रक्षा तो हम अपने हितों की करेंगे, तो आप इसको गंभीरता से मत लीजिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जब तक यूक्रेन को निस्तानाबूद नहीं हो जाएगा, और अमेरिका अपने आंखों से देखना चाहता है, फिर वो यूक्रेन को निस्तानाबूद के बाद फिर दूसरी कंट्री पर चला जाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ देखते रह जाए, ये उसका इतिहास है। लेट मी कम, ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ देखते रह जाए दुनिया और फिर यूक्रेन पर हमला करता रह जाए रूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, मैं इसकी हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका का इतिहास है कि उस तरह का वो जो है प्रोवोकेशन जब तक नहीं करेगा तब तक रूस कैसे सामने आएगा। तो ये प्रोवोकेशन की एक लाइन है, और 8 महीने से आप इसी तरह के प्रोवोकेशन देखते रहे हैं, तो मुझे कुछ आश्चर्यचकित आश्चर्यजनक नहीं लगता इस बात पर। लेकिन हाँ, इतना जरूर होगा कि जेलेंस्की खुद और कुछ आकर बोल देंगे, उसी उत्साह में आकर के जेलेंस्की कुछ और चीज बोल देंगे, तो उसको ये लगता है कि यूक्रेन को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दें और दुनिया के सामने रशिया को पूरी तरह से ये दिखा दे कि विलन है।